बताइए आप, जरूर बताइए आप, हम आपके परिवार के साथ हैं, हम आपके बीच में आए हैं, आप ही के हैं, हमको बताइए सीधे तौर पर, आप कुछ भी कहना है, कोई बात है, कोई समस्या है, कोई दिमाग में संशय है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमसे बताइए आप। देखिए चुनावी माहौल है, आप सब जानते हैं, आज देश की जनता बहुत जागरूक है। मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि हम संत रविदास, संत शिरोमणि, जो अपने आप में एक मिसाल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इतने तपस्वी थे, इतने सत्पुरुष थे वो, कि उन्होंने गंगा जी लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा तुम भी चलो, बोलो मैं, मेरे को कर्म करना है और मैं परमात्मा की भक्ति करता हूँ, अगर मेरा मन अच्छा है तो गंगा मैया मेरे यहाँ अपने से आएगी। तो उसके वंशज हैं हम लोग, उनके वंशज हैं जिन्होंने गंगा मैया को भी अपने यहाँ काम करते करते, वो जो होता है कुंडा सा होता है, उसमें उसमें गंगा मैया आ गई थी, एक बहुत बड़ी बात है। और संत शिरोमणि का उनको उपाधि है, बहुत मान्यता है, हर जगह है, पूरे भारत में है, अखंड भारत में है। तो उसके अनुयायी हैं, उसके वंशज हैं हम। तो हमें एक तो इस बात के लिए गर्व होता है कि हम ऐसे महापुरुष के वंशज हैं जिनको दुनिया मानती है। ये चुनाव का समय है, कई दल आते हैं, बात कहते हैं अपनी अपनी, आपने देखे भी हैं, मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री रहे, सरकारें रहीं, लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है कि संत रविदास जी जो हमारे आध्यात्मिक हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे ईश्वर हैं, उसके बाद अगर दूसरा कोई जिनको हम अपना मसीहा कहकर पुकारते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने संविधान दिया है, उस संविधान के दायरे में आके हम आप जैसे हम लोग भी, आप लोग भी बहुत सी सुविधाएँ मिलती हैं, हम अगर संसद में जाते हैं, MLA बनते हैं, वो बनते हैं, वो भी उन्हीं का प्रावधान है, नहीं तो शायद नंबर कभी नहीं आता। तो ऐसे बाबा साहब के प्रति मोदी जी की आस्था, भाजपा सरकार की आस्था, अगर आप देखें पिछले 10 साल में पंच तीर्थ के नाम से, बाबा साहब के नाम से मोदी जी ने विकास किया है, जो इससे पहले 60-65 साल में कोई सरकार नहीं कर सकी। तो मोदी जी का जो बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जो प्रेम है, कुछ पार्टियां एक गलत ही पैदा करने की कोशिश कर रही हैं कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार, उन्होंने इसको दूसरे तरीके से ले लिया कि ऐसा होगा तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण बंद कर देंगे या चुनाव ही नहीं होंगे। ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है। अभी जैसे सुनील भाई कह रहे थे, कितनी छोटी बात से लेकर बड़ी बात तक प्रधानमंत्री जी का ध्यान जाता है। स्वच्छता, उन्होंने झाड़ू लेकर शुरुआत अपने से करी कि जब मैं करूंगा तो लोग कम से कम कुछ तो अनुसरण करेंगे, कुछ तो लिहाज करेंगे। जब घर का मुखिया काम करता है, अपने परिवार में अगर हम देखे हैं, हमारा बुजुर्ग अगर कोई काम करने की कोशिश करता है तो बच्चों को भी लगता है नहीं नहीं अरे बाबा तुम रहने दो, हम कर लेंगे, ऐसा होता है ना। तो प्रधानमंत्री के स्तर पर क्या क्या सोचा, माँ बहनों की आंखों में आंसू नहीं आए, लकड़ी हमारी जलती है, लकड़ी जलना भी बहुत सारा नुकसान होता है, हम ये हमारे लिए जलवायु के लिए ऑक्सीजन देते हैं पेड़, हम अपनी सुविधा के लिए अपने उसके लिए कई बार इन्हें काट देते हैं, क्या करें, मजबूरी है, चाहिए लकड़ी। तो उसके लिए गैस उज्ज्वला योजना की, जनधन योजना में सबके खाते खुलवाए, सीधा पैसा आता है, आज किसान को भी सीधा पैसा आता है, मजदूर को भी आता है, बिचौलिए नहीं है, ऐसा नहीं है कोई जैसे मनी ऑर्डर लेके पहले पैसा लेके आते थे।